हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे ऐसी डॉग ब्रीड जो कि बॉर बिल को डिफीट कर सकती है इंडिया से। बेसिकली हम लोग इंडियन डॉग ब्रीड की बात करेंगे जो कि बॉर बिल को ईजिली डिफीट कर सकती है। अब डिफीट करने से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि वो गार्डिंग एबिलिटी में हो सकता है, रनिंग एबिलिटी में हो सकता है, या फिर वो फैमिली के साथ हो सकता है कि जैसे बॉर बिल कम अच्छा हो फैमिली के लिए और दूसरी डॉग ब्रीड जो ज़्यादा अच्छी हो, तो उस मामले में हम लोग बात करेंगे, जिसके चलते आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ जाना है या फिर बॉर्बल डॉग ब्रीड की तरफ जाना है। तो सबसे जो पहली डॉग ब्रीड है वो है बुली कुत्ता। बुली कुत्ता डॉग ब्रीड अपने हाइट और अपनी जो लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, हरियाणा पंजाब साइड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड में से भी एक है। ये डॉग ब्रीड आपको ईजिली मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बॉर्बल के टक्कर की डॉग ब्रीड कह सकते हैं बुली कुत्ते को, क्योंकि ये गार्डिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और घर के बच्चों के लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होती, अच्छे तरीके से रहती है। लेकिन बड़े साइज होने के चलते एक सुपरविजन के तौर पर आपको देख रेख करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने बुली कुत्ता को बच्चों के साथ छोड़ रहे हो, उनके साथ ईजिली छोड़ सकते हो। अगली जो डॉग ब्रीड है वो गद्दी। गद्दी डॉग ब्रीड हम लोग जानते ही कितनी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड होती है, हेल्थ इश्यूज़ के अंदर ना के बराबर होते हैं, जिसके चलते ये बॉर्बल को टक्कर इजीली दे सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गार्डिंग एबिलिटी की और हेल्थ इशू की, तो यहाँ पे ये कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है बॉर्बल के मुकाबले, जिसके चलते मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप गद्दी डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, गद्दी डॉग ब्रीड मोस्टली दिन के टाइम सोना ज़्यादा पसंद करते हैं और वहीं पर रात के टाइम हद से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसा जनरली होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये डॉग डॉग वेरी भी करता है। हो सकता है जो डॉग मैंने देखा हो उसमें ऐसा हो और आपके डॉग में ना हो, तो ये चीज़ को आपको खुद से देखना पड़ेगा। बाकी गार्डिंग दिन के टाइम भी करते हैं, आप बेझिझक के ले सकते हो गद्दी डॉग ब्रीड को, अगर आप बच्चों के साथ रखना चाहते हो तो भी, घर में वैसे रखना चाहते हो तो भी। अगली डॉग ब्रीड राजा पल्यम। राजा पल्यम डॉग ब्रीड लॉयल्टी के मामले में इजीली टक्कर दे सकता है गार्डिंग के मामले में। हम सब जानते हैं जो कि राजा पल्यम होते हैं वो शेर तक से बढ़ जाते हैं, और वहीं पे बॉर्बल भी अफ्रीका में लायन तक से बढ़ने का जज्बा रखते हैं, तो जिसके चलते ये दोनों ही डॉग ब्रीड आपस में काफ़ी अच्छी टक्कर देगी। मेन बात ये आ जाती है कि फॉरेन डॉग ब्रीड के तो आपको कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल जाती है, लेकिन काफ़ी कम बंदे इंडियन डॉग ब्रीड को लेकर कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों की और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर हम राजा पल्यम की बात करें, राजा पल्यम की ग्रूमिंग आपको काफ़ी कम करनी पड़ती है, हेल्थ इशू ना के बराबर होते हैं, बड़े साइज की डॉग ब्रीड होती है, रनिंग के मामले में बॉर्बल को अच्छी खासी मात दे देगी, काफ़ी एथलेटिक डॉग ब्रीड होती है, गार्डिंग के मामले में भी ईजिली टक्कर दे सकती है बॉर्बल को, और वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों के साथ भी अच्छे तरीके से रहती है, जो कि दिक्कत कई ओनर्स को होती है कि बॉर्बल लेने के बाद कि हमारा बॉर्बल ना बच्चों के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या फिर दूसरे डॉग्स के लिए एग्रेसिव है। लेकिन राजा पल्यम में आपको ये केस देखने को काफ़ी कम मिलेगा, कंपेरेटिवली ये हल्के साइज की दिखेगी बॉर्बल के आगे, लेकिन टक्कर ये उसे अच्छी खासी दे देगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अगली जो डॉग ब्रीड जो बॉर्बल को टक्कर दे सकती है वो है मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड। मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड के बारे में आप लोग जानते हो, सुना भी होगा आप लोगों ने कि मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड होती है, इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है बीच के अंदर, इंटेलिजेंस के मामले में ईजिली टक्कर दे देगी, रनिंग के मामले में ईजिली टक्कर दे देगी बॉर्बल को, मतलब दोनों मामलों में ये बॉर्बल से आगे ही होगी। जहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे या फिर हम बात कर रहे हैं इनकी स्पीड की, एजिलिटी की, तो उस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे, बच्चों के साथ रखने में काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे। गार्डिंग के मामले में ये आपको ओके ओके टाइप की लगेगी कि गार्डिंग के मामले में ये उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स बॉर्बल के मुकाबले थोड़ा सा 19 पड़ जाएगा, लेकिन बाकी हर चीज़ में ये उससे 21 ही है, तो जिसके चलते ये हमारी लिस्ट में शामिल हुई है। आप लोग ज़रूर बता सकते हो कि आपको किस हिसाब से डॉग ब्रीड सिलेक्ट करते हो, क्या आप अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हो, या फिर आपको जो डॉग ब्रीड पसंद आती है आप खाली उसे सिलेक्ट करते हो, वो चीज़ आप ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी जो लास्ट डॉग ब्रीड जो मैंने रखी है वो है आपकी रामपुर ग्रेहाउंड डॉग ब्रीड। ये इंटेलिजेंस, एजिलिटी, बच्चों के साथ रखने में, ग्रूमिंग के मामले में, हेल्थ इशू के मामले में बॉर्बल से लाख गुना आ गया, क्योंकि बॉर्बल के अंदर हैवी स्ट्रक्चर होने के चलते उसके जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, लाइफ स्पैन कम होता है, उसके अंदर हेल्थ इशू ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको कंपेरेटिवली दूसरे डॉग्स के मुकाबले, हैवी शरीर होने के चलते आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है बॉर्बल में, और बाकी वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, गार्डियन काम बखूबी करता है बॉर्बल में, उस चीज़ से मना नहीं कर रहा, लेकिन उतने ज़्यादा फास्ट एथलेटिक नहीं होंगे जितनी कि आपकी रनिंग टाइप की डॉग ब्रीड होती है। ये इंडियन डॉग ब्रीड इसलिए रखी थी जिसके चलते आप लोग अंदाज़ा लगा सको कि भाई हमारी इंडियन डॉग ब्रीड भी दूसरी डॉग ब्रीड से कम नहीं है। मेन बात यह है कि हमारे दूसरे डॉग ब्रीड को ज़्यादा पॉपुलर कर रखा है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया या इस तरीके की दूसरी डॉग ब्रीड होगी बॉर्बल, केन कोर्सो,
इन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे रखी है, हमारी इंडियन डॉग ब्रीडो कम दे रखी है, जिसके चलते हमें ऐसा लगता है कि सारे जो इतने भी अच्छे डॉग हैं वो सब बाहर के हैं, इंडियन डॉग ब्रीड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। ये सब हमारी गलत फहमी है, इंडियन डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट की बात आ जाती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ही छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड होगी, टॉय साइज़ की डॉग ब्रीड होगी, तो आप दूसरे डॉग ब्रीड पे चले जाओ, इंडिया में आपको उस टाइप की डॉग ब्रीड देखने को नहीं मिलेगी, इंडियन जो डॉग ब्रीड होती है, तो आपको बाहर की ही डॉग ब्रीड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा उस केस के अंदर। लेकिन अगर हम गार्ड डॉग की बात करते हैं, बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड की बात करते हैं, तो उस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हम अपने स्ट्रीट डॉग्स की बात करते हैं, देसी कुत्ते जिन्हें हम कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो कि हेल्थ के मामले में, और अगर हम बात करते हैं बच्चों के साथ रखने के मामले में, स्किन इन्फेक्शन, हर चीज़ रफ़ एंड टफ़ टाइप के मामले में, बॉर्बल से ज़्यादा अच्छे साबित होंगे ये डॉग ब्रीड भी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, और किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो को आप गलती से भी मिस ना कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।